खाया जा रहा है यार। बताऊंगा सर लाइक आपका जो रेंट कितना जाएगा, 3 महीने में आपको पैसे देने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो अभी जो है मेरी क्लासेस खत्म हुई है, तो अभी जो है फैंसो कॉलेज वालों ने नया कैंपस ओपन करा है, कैंपस कह रहा हूँ मैं, नया रेस्टोरेंट ओपन करा है इन्होंने अपना खुद का। तो अभी उनकी ओपनिंग है तो सबको पिज़्ज़ा जो है फ्री में मिल रहा है, तो अभी हम पिज़्ज़ा खाने जा रहे हैं कि पिज़्ज़ा खा के फिर मैं आपको सारा कुछ बताऊँगा कि मेरा मंथली एक्सपेंसिस कितना बढ़ गया, कि मेरे को एक मंथ में मेरा कितना खर्चा हो गया, आपका कितना खर्चा हो सकता है, सारा कुछ बताऊँगा मैं। लाइक आपका जो रेंट कितना जाएगा फर्स्ट एंड लास्ट, और ग्रोसरी में कितना खर्चा हो जाएगा, लाइक मेरा कितना खर्चा बैठ गया पूरा जो फर्स्ट मंथ में, जैसे कि सारे जानते हैं कि पहले मंथ में ज़्यादा खर्चा होता है, तो वैसे ही मैं आपको एक एस्टिमेट राउंड फिगर बताऊंगा कि आपका कितना खर्चा बैठ सकता है। तो अभी पिज़्ज़ा खाने के बाद फिर चलते हैं कहीं पर बैठ के, अच्छे से मैं आपको सारा कुछ समझाऊँगा कि आपका कितना खर्चा बैठ जाएगा जब आप आओगे कनाडा, टोटल एवरीथिंग। लाइक मैं अपना भी बताऊंगा कि सारा मेरा कितना बैठ गया खर्चा टोटल ओवरऑल। ये लोग भूखे लोग भूखे लोग कोई नहीं भरावा। मेरे डोमिनोज की बहुत याद आ रही है, यहाँ का पिज्जा लाइक बेकार है, डोमिनोज बेस्ट है। भंडारा लग चुका है गाइस, खाया नहीं जा रहा यार। तो गाइस फाइनली फैंसो कॉलेज टोरंटो कैंपस वालों ने अपना खुद का एक रेस्टोरेंट ओपन कर लिया है ग्राउंड फ्लोर में। आज जो है इसकी ओपनिंग है, तो हमारे पास मेल आई थी कि आज फ्री में पिज़्ज़ा और साथ में कोल्ड ड्रिंक मिलने वाली है। तो सारे बच्चे जो है फैंसो कॉलेज टोरंटो कैंपस के बच्चे सारे नीचे आ गए ग्राउंड फ्लोर में पिज़्ज़ा खाने के लिए मुफ्त की, और मुफ्त की कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए आनंद उठा रहे। तो अब चलते हैं कहीं पर अच्छे से बैठ के, मैं आपको अपना सारा मंथली एक्सपेंसेस बताऊंगा कितना खर्चा बैठ गया। तो हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू शेखर व्लॉग। तो गाइस ये जो व्लॉग है ये बहुत दिनों के बाद आ रहा है, उसके लिए मैं आपको सॉरी बोलना चाहता हूँ कि यार बताऊँ क्या बात होती है, यहाँ टाइम नहीं मिल पाता मतलब व्लॉग शूट करने का, सारा कुछ करने का। तो आज का जो व्लॉग है उस व्लॉग में मैं आपको सारा कुछ बताऊंगा कि जब आप इंडिया से या फिर आपकी जो भी कंट्री है वहाँ से जब कनाडा आओगे तो आपका कितना खर्चा बैठ जाएगा फर्स्ट मंथ में। ये सिर्फ पहले महीने की बात कर रहा हूँ, क्योंकि सबको मालूम होता है कि जो पहले मंथ में जो खर्चा होता है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू अदर मंथ्स, ठीक है। तो इस व्लॉग में मैं आपको लाइक थोड़ा बहुत विंटर के साथ कनेक्ट करके बताऊँगा, क्योंकि अब विंटर आने वाले हैं तो बच्चे जो हैं विंटर्स में आएंगे, सितंबर इंटेक आने वाला, भी मैं मई इंटेक में आया था, अब बच्चे सितंबर इंटेक में आएंगे। सितंबर इंटेक में मोस्टली जो है ठंड स्टार्ट हो जाती है, और कितना खर्चा बैठ जाएगा आपका, और मैं इसके बाद ये भी बताऊंगा कि मेरा कितना खर्चा बैठ गया पहले मंथ में, और ऐसी क्या क्या चीज़ है जो आपको लेनी चाहिए और नहीं लेनी चाहिए, जिस पर पैसे खर्च करने चाहिए और किस पर नहीं करने चाहिए। तो मैं जैसे कि ये जो है वेरी करेगा, हर चीज़ में वेरी करेगा ये, लाइक किसी के जो है रिलेटिव्स होते हैं यहाँ, किसी के जो है रिलेटिव्स नहीं होते हैं, सिंगल होता है बंदा तो उसको खुद से घर लेना पड़ता है, अकेला रहता है। ये सारा कुछ बंदे टू बंदे पे डिपेंड करता है कि बंदा कैसा रहना चाहता है, लाइक मैनेज कर सकता है नहीं कर सकता, वही सारा कुछ उसके ऊपर डिपेंड है। लाइक जो बंदा मैनेज कर सकता है उसका ऑब्वियसली बात है जो ग्रॉसरी है और जो रेंट रूंट है वो कम आएगा एज़ कम्पेयर टू जो मैनेज नहीं कर सकता, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कि हम जैसे जो कॉमन बंदा है, लाइक जो अकेला है, जो नहीं यहाँ पे किसी का, उसका कितना खर्चा बैठ सकता है। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो अब मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा कि आप जो फ्लाइट में चढ़ गए, आप जैसी लैंड कर गए कनाडा, तो ऑब्वियसली बात है कि आपने अपने लिए जो पहले जो अकेला बंदा है जिसका कोई रिलेटिव नहीं है यहाँ पे, उसने क्या कहते हैं अपने लिए एक रूम बुक कराया होगा पहले से, तो उसका खर्चा जो है मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो उस बंदे के ऊपर डिपेंड है, उस बंदे ने कैसे वाला रूम करवा रखा है। लाइक पहले तो होटल लेना पड़ेगा आपको कि जहाँ पे रुकना है आपको, इट्स डिपेंड टू लाइक आप कितने दिन के लिए उस होटल में रुक रहे हो, इसके लिए मैं नहीं बताऊँगा। इसके लिए आप जो है चेक कर सकते हो ANB होम्स पे लाइक, और KGG पे लाइक, आपको कितने दिन का स्टे चाहिए वो सारा आप पे डिपेंड करता है। उसके बाद मैं आपको बताऊँगा जैसे आप लैंड करके एयरपोर्ट पर
एयरपोर्ट पे लैंड करने के बाद जैसे आपका कोई रिलेटिव नहीं है तब तो ये बच जाएगा, मतलब अगर आपका रिलेटिव नहीं है तब तो आपका जो ऊबर का जो खर्चा है वो 100 से 150 कैनेडियन डॉलर आएगा, लाइक 100 से लेके 150 तक का खर्चा आएगा आपको अपने घर तक पहुँचने में, ठीक है। ये हो गया उसका जिनका कोई यहाँ रिलेटिव नहीं है। अब जिनका रिलेटिव है, जिनको कोई लेने आया है, अटेंड करने आया है, उनके लिए तो ये बच जाएगा, उनके लिए एक्सक्लूड कर दो, ये कोई उनके लिए है नहीं खर्चा, ठीक है। तो 100 से 150 तक का खर्चा आ गया उनके लिए। उसके बाद जो सबसे मोटा खर्चा है बैठता है जिसमें सबके पैसे ज़्यादातर लग जाते हैं, यहाँ कैनेडा में क्या है कि आपको जो है फर्स्ट एंड लास्ट दोनों देना पड़ता है, रेंट, घर का जो रेंट है वो फर्स्ट एंड लास्ट दोनों देना पड़ता है। लाइक जब मैं आया था यहाँ पे, मेरे को अपना जो है फर्स्ट एंड लास्ट दोनों देना पड़ा था रेंट अपना। तो जो फर्स्ट मंथ का जो रेंट है वो मतलब 600 और जो लास्ट है वो 600, तो टोटल 1200। तो यहाँ पे लास्ट इसलिए लेते हैं लाइक एज अ सिक्योरिटी, लाइक जब आप जो घर से निकल रहे हो तब आप एक महीना पहले बताओगे या दो महीना पहले बताओगे कि इस महीने में मैंने लास्ट करना है, उस महीने वो आपसे पैसे नहीं लेंगे क्योंकि आपने फर्स्ट एंड लास्ट दे रखा है, ठीक है। तो आखिरी महीने में आपको पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और 1200 है मेरा, लाइक मैंने जो है जब मैं आया था तो मैंने 1200 दिया था रेंट अपना फर्स्ट एंड लास्ट दोनों। अगर आपके साथ और भी कोई बंदा रह रहा होगा उस टाइम, लाइक आप 1200 दोगे और जो बंदे आपके साथ रह रहे होंगे उनका जो है रेंट कम हो जाएगा उस महीने के लिए, लाइक सबको जो है फर्स्ट एंड लास्ट यहाँ देना पड़ता है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर कोई दूसरा नया बंदा आएगा तो वो फर्स्ट एंड लास्ट देगा और उस महीने का आपका जो है रेंट कम हो जाएगा। लाइक समझ लो टोटल जो है 2000 रेंट है एक घर का, आप यूँ समझ लो। तो 1200 जो है एक नए बंदे ने दे लिया तो 800 बच गए, 800 आपके में डिवाइड हो जाएगा। फिर उस महीने में जो आपका जो रेंट है वो कम आएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो जो 1200 है वो आपका जो है रेंट बैठ जाएगा, 1200 प्लस 150 जिसने ऊबर कराई होगी एयरपोर्ट से अपने घर तक की। उसके बाद जो मेन खर्चा एक और बैठता है वो आता है ग्रॉसरी का, लाइक आप आए हो आपको ग्रॉसरी करनी पड़ेगी, बिना ग्रॉसरी के आप रह तो सकते नहीं, खाना पीना भी ज़रूरी है। लाइक जिनके घर के पास गुरुद्वारा है वो वहाँ से जाके एडजस्ट कर सकता है, अपने लिए खा सकता है लंगर में जाके, और वरना जो ऑब्वियस सी बात है लाइक ग्रॉसरी तो सबको ज़रूरी है, ग्रॉसरी तो करनी पड़ेगी आपको चाहे जो मर्जी कर लो। तो अगर जो अकेला बंदा है तो उसका जो ग्रॉसरी है 150 से 200 तक के बीच में आएगा, 150 से 200 तक के बीच में आएगा। और वो भी आपको मतलब कि अगर अकेला है तो वो बंदे पर डिपेंड करता है, लाइक बंदा मैनेज कर सकता नहीं कर सकता। लाइक अगर मैं अपनी बात करूँ तो जो मेरा जो मंथली ग्रॉसरी जाता है वो $100 का जाता है, हम जो है 5-6 बंदे रहते हैं तो सब पे जो है $100 जाता है, तो 600 की हम ग्रॉसरी कर लेते हैं तो हमारा जो है महीना चल जाता है। तो वो आपके ऊपर डिपेंड है, लाइक आप कितना खाते हो, आपको कैसे कैसे आपकी नीड्स हैं, आप क्या क्या खाना चाहते हो, वो सारा कुछ आपके ऊपर डिपेंड है। पर जो अप्रोक्स मैंने देखा है जो कल्ले बंदे का जो ग्रॉसरी बैठता है वो 100 से 150 बैठता है, ठीक है। एक तो ये खर्चा हो गया आपका। फिर आप जब अपनी ग्रॉसरी कर लोगे, ग्रॉसरी करने के बाद आपको जो है पास बनवाना पड़ेगा, बस पास कह लो, ट्रांजिट पास कह लो, उसको एक टाइप का यहाँ पे प्रेस्टो कहते हैं, लाइक आपको प्रेस्टो बनवाना पड़ेगा। प्रेस्टो में जो है पैसे डलेंगे, लाइक आप जब भी ट्रैवल करोगे अपने कॉलेज के लिए, कहीं जाने के लिए, किसी फ्रेंड के घर जाना है, तो आपको बस पे टैप करना होता है, मेट्रो में टैप करना पड़ता है, सबवे में जो भी है तो आपको वहाँ टैप करना पड़ेगा। जो उसका जो है, जो मैंने देखा है जो बच्चे डलवाते हैं उस प्रेस्टो में पैसे, $50 से लेके $100 उसमें डलवाते हैं। और जब भी कोई यहाँ कनाडा आए तो अगर जो 18 साल से कम का है बच्चा, ठीक है, 18 साल या फिर नहीं 18 साल का है जो, वो अपना जो है प्रेस्टो जो है एक यूथ में कन्वर्ट करवा सकता है। यूथ में कन्वर्ट करवा लोगे तो आपका जो है प्रेस्टो जब आप टैप करोगे तो आपके कम पैसे कटेंगे। तो आप मेक श्योर करना जब आप आओ तो आप यूथ वाला पास बनवाओ अगर आप उस एज के अंडर आते हो तो, ठीक है। उसके बाद प्रेस्टो हो गया 50 से लेके 100 तक का जो है प्रेस्टो हो गया। उसके बाद आप लोगे अपने लिए सिम, यहाँ पे बहुत सारे कंपनीज के सिम है, फ्रीडम, फाइडो, लाइक मेरा जो सिम है वो फाइडो कंपनी का है और जो मेरा जो मंथली जो प्लान है वो अराउंड $60 का है, लाइक $60 जो है आपका 60 से 50 तक के बीच का ही आता है। तो आपका जो है वो चले जाएगा सिम में मंथली, ठीक है, वो हो गया। उसके बाद आप अपने सोने के लिए आप मैट्रेस जरूर लोगे जिस पे आप सोओगे, तो वो भी अराउंड 100 से 150 तक का आता है। लाइक यहाँ कनाडा में क्या होता है, जिसको ज़रूरत नहीं होती, मतलब जिसने यूज़ कर लिया, यूज्ड जो मटेरियल होता है, लाइक समझ लो किसी ने सोफ़ा यूज़ कर लिया, अब उसको वो पसंद नहीं है तो वो अपने घर के जो है बाहर निकाल देता है सोफ़ा, तो जिसको नीड है वो वहाँ से उठा के ले जाए। लाइक हमारे घर में जो मैट्रेस पड़ा है वो हमने उठाया हुआ है, लाइक अगर आपको कहीं मिल जाए तब तो बढ़िया ही है,
और यहाँ पे जो क्या कहते हैं उसमें जो है खटमल हो जाता है, तो इसलिए जो है मोस्टली सारे बंदे जो है बाहर निकाल देता है उसको। तो मेक श्योर कि आप जो उठाओ मैट्रेस जो भी बाहर से उठाओ तो उसमें आप चेक कर लो, बग्स नहीं होने चाहिए उसमें, ठीक है। तो अगर आप नया लेना चाहते हो तो नया 100-150 आ जाता है, बहुत बढ़िया। तो मैंने तो नहीं लिया गाइज, क्योंकि हमारे घर में पहले से ही था, लाइक हमने सबने उठाया हुआ है। मैनेज करना सीखो गाइज, अगर आपको अपने पैसे बचाने हैं तो लाइक फीस वगैरह निकालनी है, तो ये तो मैं उनके लिए बता रहा हूँ कि जो बिल्कुल मैनेज नहीं कर पाते, लाइक जो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, उनके लिए तो यह सख्त ज़रूरी रहेगा, ठीक है। फिर उसके बाद जो विंटर में आ रहे हैं मोस्टली, तो उनके लिए मैं बताऊंगा कि उनको जो है विंटर जैकेट्स लेनी पड़ेगी। लाइक मैंने भी अभी विंटर जैकेट्स नहीं खरीदी, विंटर में मैं भी खरीदूँगा, कि क्योंकि जो मैं अपना जो है विंटर का सामान वो बिल्कुल नहीं लेके आया, मैं सारे के सारे शर्ट टी शर्ट टाइप्स लेके आया हूँ, एक हुडी लेके आया हूँ और जैकेट लेके आया हूँ, ज़्यादा विंटर का सामान नहीं लेके आया हूँ। क्योंकि मैं प्रेफर करूँगा गाइज, अगर आप विंटर का जैकेट लेना चाहते हो उसके लिए पैसे ले आओ, यहाँ आके खरीद लो, क्योंकि यहाँ जो विंटर जैकेट है वो यहीं के अकॉर्डिंग बनी हुई है, यहीं के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग बनी हुई है, ठीक है। तो इंडिया से आप ज़्यादा से ज़्यादा एक ले आओ, दो ले आओ, पर उसके लिए जो है एक पैसे ले आओ कि यहाँ पे आप अपना विंटर जैकेट ले सकते हो। विंटर जैकेट आती है 150 के अराउंड आ जाएगी, बढ़िया सी, जो आपके लिए काम चल जाएगी, ठीक है। उसके बाद गाइज एक चीज़ और आएगी, स्नो शू। लाइक यहाँ पे जो स्नो है वो गोड्डे के ऊपर तक हो जाता है, घुटने के ऊपर तक हो जाता है, तो उसके लिए जो है स्नो शू बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप स्नो में अपने पैर डालोगे कहीं वो गल जाए, ख़राब हो जाए, तो यहाँ पे अपनी हेल्थ को लेके बहुत अवेयर रहना चाहिए। अगर आपकी हेल्थ ख़राब होगी तो गाइज महीना से दो महीना आप बेड पे रह सकते हो, ठीक है। तो मेक श्योर अपने हेल्थ के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ मत करो। विंटर शू तो आपको लेने पड़ेंगे, मैं भी लूँगा, अभी विंटर साइन नहीं है, सेल वगैरह चलती है, मैं आपको उसके लिए ज़रूर सारा टाइम अपडेट देता रहूँगा। मेरी इंस्टाग्राम की स्टोरी ज़रूर चेक करा करो रेगुलरली, मैं जॉब्स होम्स लाइक सब के ऊपर जो मेरे को अच्छा लगता है वो मैं आपके लिए अपलोड करता हूँ। अगर आपको और भी कुछ पूछना हो तो आप बेफिक्र होकर मेरे को मैसेज कर सकते हो, मैं सबका रिप्लाई देता हूँ, और जितना मेरा बेस्ट होगा मैं आपको सारा कुछ प्रॉपर बताऊँगा। ये हो गया, तो अब उसके बाद आ जाता है स्नो शू, हो गया, इसमें जो है सारा कुछ इंक्लूड हो गया। अब एक चीज़ और, लाइक अगर आप लैपटॉप लेके आ रहे हो इंडिया से तब तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है, ठीक है, तो आप पैसे ले आओ लैपटॉप के लिए, यहाँ आके लैपटॉप ले लो, यहाँ उससे अच्छा लैपटॉप कम पैसे में मिल जाएगा, जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स का जो सामान है वो सस्ता है, ठीक है। तो अपने लिए लैपटॉप ज़रूर लेके आओ, और इतना ही था सारा कुछ खर्चा, और कुछ ज़्यादा इतना था नहीं। तो अब मेरा क्या हुआ, मेरा क्या क्या खर्चा हुआ वो मैं आपको बताता हूँ। लाइक पहले महीने में आया मैं, फर्स्ट मंथ में आया, तो मेरा ऊबर का खर्चा नहीं लगा, ठीक है, रेंट गया मेरा 1200, ग्रॉसरी मेरे यार दोस्तों ने करवा दी, क्योंकि उन्होंने कहा कि इस महीने तू रेंट पे, क्योंकि इस महीने तेरा ज़्यादा खर्चा है, तो मेरी ग्रॉसरी नहीं हुई, ग्रॉसरी मेरे सारे मेरे फ्रेंड्स ने करवाई है। उसके बाद जो है सिम का तो खर्चा बढ़ना ही था, सिम का $60, और उसके बाद प्रेस्टो का खर्चा बढ़ना था, प्रेस्टो का मेरा मैंने डलवाया $50, और क्या खर्चा बैठ गया, और मैंने G1 ड्राइविंग टेस्ट दिया। आपको भी मैं सजेस्ट करूँगा, जिस टाइम आप लैंड हो ना कैनेडा में, तो मस्ट श्योर आप जो है G1 का टेस्ट ज़रूर दो, ड्राइविंग लाइसेंस पे पक्का जाओ, क्योंकि वो जो है एक साल के बाद आप G2 के लिए जा सकते हो, और वो जो है एक आपको कार्ड मिल जाएगा जो आप हर जगह लेके कैरी कर सकते हो। लाइक आप हर जगह पासपोर्ट लेके तो कैरी नहीं कर सकते, क्योंकि आपको कुछ दिखाना पड़ता है आपकी आइडेंटिटी के लिए, तो आप हर जगह पासपोर्ट लेके तो नहीं घूम सकते। तो अपना G1 बनवाओ जल्दी से जल्दी आके, मैंने उसके ऊपर वीडियो बना रखी है, आई बटन में लिंक डाल दूंगा कि कैसे बना सकते हो, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो क्या कर सकते हो, सारा कुछ बताया हुआ है इस वीडियो में, आप ज़रूर वॉच करो तो आपके लिए फ़ायदा ज़रूर होएगा। और मैंने G1 का टेस्ट दिया, सिक्योरिटी का लाइसेंस बनवाया मैंने अपना, मेरी जल्दी एक वीडियो आएगी क्या कहते हैं कि सिक्योरिटी लाइसेंस कैसे बनाते हैं, तो उसमें सारा कुछ कितना प्रोसेस होता है, अगर आपको सिक्योरिटी का लाइसेंस बनवाना हो तो मेरे पे कॉन्टैक्ट करना गाइस, मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा, ठीक है। मेरा जो है बल्ली भाई ने बनवाया हुआ है, मैं बल्ली भाई का जो है ID की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उससे कुछ भी पूछ सकते हो। लाइक अगर आपको सिक्योरिटी के बारे में कुछ पूछना हो, कितना खर्चा बैठ जाता है, सारा कुछ। मेरा सिक्योरिटी का लाइसेंस बन गया, और स्मार्ट सर्व बनाया मैंने, सिक्योरिटी का मेरा अप्रोक्स 350 से लेके 400 के अराउंड तक का मेरा खर्चा बैठ गया सिक्योरिटी का लाइसेंस बनवाने में। और मेरा जो है G1 गया, फर्स्ट एंड लास्ट गया, और सिम, प्रेस्टो, और इतना ही खर्चा जो था मेरा जो है फर्स्ट मंथ में बैठा। आपका भी जो है इतना ही कुछ अराउंड बैठ सकता है, अगर आप मैनेज कर सकते हो तो गाइज, अगर जिनके रिलेटिव्स हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा है, जो पहले मंथ में जो है मैनेज हो जाएगा, फिर जो बंदा अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करता रहे और कम्फर्ट देखता रहे अपने अकॉर्डिंग, सारा कुछ मैनेज हो जाता है गाइज। यहाँ पे ऐसा मत सोचो कि कुछ मैनेज नहीं हो पाता, सब मैनेज हो जाता है, बंदा मैनेज करने वाला होना चाहिए और बंदा कुछ करने वाला होना चाहिए, तो सब कुछ हो जाता है। और जैसे मेरे पास आजकल ज़्यादा मैसेज आ रहे हैं कि जॉब को लेके, गाइज जॉब यहाँ पे अभी मुश्किल है ढूंढनी, पर
मेरे को जैसे जॉब्स के इंटरव्यू आते हैं, लाइक आप कोशिश करोगे ना तो 100% मिल जाएगा आपको, ठीक है। ऐसा मत सोच के आओ कि जॉब नहीं मिलेगा, जॉब नहीं मिलेगा, जॉब मिल जाएगी गाइज। मैं आपकी हेल्प करूँगा जितनी मेरी हो सकती है, और मैं आपको सारा कुछ बताऊँगा कि आप कैसे अपना रिज्यूमे बनाओ, क्या तरीके हैं, तो सारा कुछ बताऊँगा मैं आपको अगर आप मेरे से पूछोगे तो। तो गाइज इस ब्लॉग में इतना ही था कि आपका कितना मंथली एक्सपेंसेस बैठ सकता है, मैंने आपको सारा कुछ बता दिया। अगर आपको और कुछ पूछना हो, लाइक लड़की जो लड़की होती है उनकी अलग रिक्वायरमेंट्स होती है, लड़के की अलग रिक्वायरमेंट्स होती है, तो आप अपने अकॉर्डिंग जो है मेरे से पूछ सकते हो। तो आप टेंशन मत लो, मैं आपका ज़रूर रिप्लाई करूँगा। और इस ब्लॉग में इतना ही था गाइज। इफ़ यू गाइज लाइक दिस ब्लॉग प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू।